रणबीर कपूर अपनी फिल्म संजू के ब्लॉकबस्टर होने पर सक्सेस को खूब एंजॉय कर रहे हैं, जिसके बाद रणबीर सातवें आसमान पर हैं। लेकिन इनकी इस खुशी को लग गई है किसी की नजर, और इतना कि बर्फी बॉय फंस गए हैं लीगल कंट्रोवर्सी में। इनसाइड खबरों की माने तो रणबीर पर उनके पुणे अपार्टमेंट के किराएदार ने 50 लाख के फ्रॉड का केस किया है। दरअसल पुणे में ट्रम्प टावर में रणबीर कपूर का एक लेविश अपार्टमेंट है, जिसको रणबीर ने लीज पर दिया था। अब किराएदार ने रणबीर पर एग्रीमेंट फॉलो न करने का आरोप लगाया है। शीतल सूर्यवंशी नाम के किराएदार ने घर से निकालने की वजह से हुए डैमेज और इंटरेस्ट की मांग की है। रणबीर के अगेंस्ट फाइल की गई कंप्लेन में कहा गया है कि अचानक बेदखल किए जाने से उनकी फैमिली को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। किराएदार का आरोप है कि रणबीर की तरफ से 24 महीने का रेंटल एग्रीमेंट था, लेकिन बर्फी बॉय ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि वो अपने घर में शिफ्ट करना चाहते हैं, और अपार्टमेंट में शिफ्ट करने के लिए उन्होंने 11 महीने बाद ही उन्हें फ्लैट खाली करने के लिए कहा, जिसके बाद किराएदार ने अक्टूबर 2017 में फ्लैट खाली कर दिया। इस कंट्रोवर्सी पर रणबीर कपूर ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि ये सारी बातें गलत हैं। वेल, अब जो भी हो, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये कंट्रोवर्सी क्या रूप लेती है। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।